इसराइल ने लेबनान के बारजा में बहुत बड़ा हवाई हमला किया। आईडीएफ के एयर स्ट्राइक में कई बहुमंजिला इमारतें जमींदोज हो गईं। तो वहीं दक्षिणी लेबनान के नकौरा में भीषण लड़ाई जारी है। दक्षिण लेबनान में तैनात संयुक्त राष्ट्र की शांति सेना के हेडक्वार्टर पर भी हमला हुआ और यहां तैनात एक जवान को भी गोली लगी। वॉर जोन की तरह ही डरावना अपडेट ईरान से सामने आया, जहां पर इसराइल ने एक नई तरह का हमला शुरू कर दिया है। एक अक्टूबर को ईरान ने जहां टारगेट सेट किए थे वहीं पर 200 मिसाइलें गिरी, फटी और इसराइल धुआं धुआं हो गया। लेकिन अब खामेनेई के ऑर्डर पर मिसाइलें जिस लोकेशन पर हमला करेंगी इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि बटन दबने के बाद इन्हीं मिसाइलों को इसराइल कंट्रोल में लेकर टारगेट सेट कर सकता है। ये तो बिल्कुल ताज्जुब की बात है, लेकिन याद करिए कि कैसे बेरूत में हिजबुल्ला लड़ाकों के पेजर फटने लगे थे, कैसे उनके वॉकी टॉकी बम बन गए थे। इसराइल ईरान को भी उसी तरह दहला सकता है, इसकी रिहर्सल हो गई है। इसराइल हमास और हिजबुल्ला के बाद तीसरे नंबर पर तेहरान का दहलाना तय है। इसराइल से दुश्मनी कितनी भारी पड़ती है ये गाजा की इन तस्वीरों से समझिए। यहाँ पे एयर स्ट्राइक हुई है, ये आप देख सकते हैं। अभी लोग जो जख्मी हुए हैं उनको निकाला जा रहा है, एक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। लगातार इसराइल की तरफ से हमले किए जा रहे हैं और हिजबुल्ला भी लगातार इसराइल पर नॉर्थ के साइड से हमले कर रहा है। तो फिलहाल ये जो आप इर्द गिर्द देख रहे हैं ये रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन की टीमें हैं जो यहाँ पे अभी पहुँची है। अभी ये क्या पाना मुश्किल है कि अंदर क्या हुआ है, लेकिन यहाँ से ये है ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट। शुक्रवार रात से उठा जबालिया में बारूदी जलजला अब जाकर शांत हुआ, लेकिन इसकी चपेट में आकर 22 लोग बेमौत मारे गए, 90 की जिंदगी दांव पर लगी है। इसराइल इसी तरह वेस्ट बैंक में हमास को बेरहमी से पीट रहा है, लेकिन रफा में कासिम ब्रिगेड जोरदार पलटवार करने लगी है। कासिम ब्रिगेड ने इसराइल के 2 टैंक और बुलडोजर के चीथड़े उड़ा दिए हैं। अल जनैना इलाके में यासीन 105 एंटी आर्मर विस्फोटक गोले का इस्तेमाल करके इसराइली सेना के 2 मरकावा टैंक और 1 D9 बुलडोजर को बर्बाद किया गया है। हालांकि हमास और हिजबुल्ला दोनों को तेहरान से आए अलर्ट ने सन कर दिया है। ईरान में 11 अक्टूबर को कुछ ऐसा हुआ जिससे ईरान की मिसाइल लॉन्च तो होगी लेकिन फटेगी वहां जहां नेतन्याहू चाहेंगे। हिजबुल्ला के रॉकेट उड़ेंगे लेकिन फटेंगे वहां जहां इसराइल की आर्मी तय करेगी। हमास और हूती के हथियारों का यही हाल होने वाला है। इसराइल के दुश्मन अब अपने ही हथियारों से जलेंगे। नेतन्याहू ने साइबर युद्ध शुरू कर दिया है। इसराइल हाईटेक लड़ाई से सभी दुश्मनों का सफाया करने जा रहा है, पहले गजा, फिर बेरूत और अब तेहरान का नंबर। इसराइल के टारगेट सेट है, टाइमिंग फिक्स है, तबाही का लेवल भी लॉक है। एक एक कर दुश्मनों का सफाया, शहरों की बर्बादी, दुश्मन ग्रुप की पूरी लीडरशिप का खात्मा। नेतन्याहू ने हमास और हिजबुल्ला को जिस तरह कुचला है उससे भी खौफनाक अंजाम ईरान को भुगतना पड़ सकता है। इसका ट्रेलर 11 अक्टूबर को इसराइल ने दिखा दिया है। शनिवार को ईरान की वर्ल्ड लाइफलाइन हैक कर दी गई थी। इसराइल ने ऐसा कुछ किया जिससे तेहरान में कोहराम मच गया। आधी रात को इसराइल वॉर रूम ने ये मैसेज सोशल मीडिया पर पोस्ट कर तेहरान को थ्रेट से अलर्ट भी कर दिया है। ईरान में साइबर अटैक हुआ, इस अटैक के मायने क्या है, क्या ईरान में सब कुछ इसराइल कंट्रोल कर सकता है, डिटेल डरावनी है, इसराइल के दुश्मनों के लिए भयानक। जानेंगे नेतन्याहू का मोस्ट पावरफुल वॉर प्लान, 200 मिसाइल हमलों के बाद का पूरा ब्लूप्रिंट। मगर वॉर जोन का ये विध्वंसक दृश्य देखने चलिए। हाइफा, गैलीली और लेबनान बॉर्डर पर इसराइल की जमीन जल रही है। देख सकते हैं तस्वीरों में कि ये जो घर है वो पूरी तरह से उजड़ गया है और कुछ ऐसे मिसाइल और रॉकेट प्रोजेक्टाइल होते हैं जो बासिंदे जो यहाँ के हैं इसराइली उनके घरों तक पहुंच जाते हैं। अब आप देखिए तस्वीर कि जो यहाँ पर मिसाइल गिरी उसकी वजह से ये जो सोलर सिस्टम है पानी गर्म करने के लिए बेसिकली ये सोलर सिस्टम है वो पूरी उसके कांच जो है टूट गए हैं, बिखर गए हैं। देखिए कांच के टुकड़े आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सोलर सिस्टम पूरी तरह से नष्ट हो गया है। हिजबुल्ला ने हाइफा को बेहिसाब रॉकेट से छलनी कर दिया है।
रॉकेट स्ट्राइक देर रात में शुरू हुई और भोर तक इसराइल को झुलसाती रही। जब हाइफा में रॉकेट फट रहे थे तब बेरूत में भी बारूदी धमाके से धरती थर्रा रही थी। बेरूत के आसमान में काला धुआं 12 अक्टूबर की सुबह तक उठता रहा। इसराइल ने अंधाधुंध हमले के साथ लेबनान में हिजबुल्ला को 22 शहरों में डेथ वारंट का इश्तेहार छापा है। ये जो आप इर्द गिर्द देख रहे हैं ये हर तरफ से तबाही है। मैं दूसरे साइड से आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ की गाड़ियां किस तरीके से बर्बाद हुई हैं, क्योंकि यहाँ पे लगातार इसराइल की तरफ से स्ट्राइक्स की जा रही हैं और यहाँ पर इसराइल को लगा था कि हिजबुल्ला के कमांडर इस एरिया में है और जहाँ पे भी उनको कोई इंफॉर्मेशन मिलती है वो उन्हीं इलाकों को बर्बाद कर देते हैं। और ये आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल बड़े पैमाने पे यहाँ तबाही हुई है। जहाँ पे भी आप नज़र दौड़ाएंगे वहाँ पे तबाही दिख रही है। तबाही के मंजर न्यूज़ 18 नेटवर्क पे आप देख सकते हैं। इसराइल ने लेबनान के एता अल शाफ, रामिया और हनीन जैसे 22 इलाके हिजबुल्ला लड़ाकों को खाली करने के आदेश दिए हैं। IDF ने 22 इलाके खाली कर अल अवली सागर की तरफ भाग जाने का फरमान सुनाया है। दक्षिणी लेबनान में इसराइल ने तूफानी हमले शुरू कर दिए हैं। इसराइल ने लेबनान के माइसरा केसरवेन पर भीषण हमले किए हैं। दक्षिण लेबनान के बारजा में भी IDF ने जंगी जेट से बेहिसाब बम बरसाए हैं। उधर बेरूत में भी इसराइल बारूद की मात्रा कम नहीं पड़ने दे रहा है। इस बीच बेरूत में मारे गए हिजबुल्ला के टॉप कमांडर्स और ईरान के कमांडर के शवों की शिनाख्त भी हो गई है। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशन गार्ड्स कॉर्प्स के टॉप कमांडर अब्बास नील फुरुशान की डेड बॉडी भी मिल गई है। IRGC कमांडर अब्बास की मौत नसरल्ला पर हुए हमले में हुई थी। कितनी तबाही हुई है यहाँ पे, मैं यहाँ से दिखाने की कोशिश करूंगा आपको कि यहाँ पे रॉकेट गिरे हैं और रॉकेट की वजह से आप देख सकते हैं बिल्डिंग्स में यहाँ पर क्या तबाही हुई है। सब कुछ बिखरा पड़ा है और कई लोगों की मौत हुई है इस हमले में। और लगातार इसराइल की तरफ से रॉकेट्स दागे जा रहे हैं और हिजबुल्लाह की तरफ से भी अटैक किए जा रहे हैं। और बढ़ते हैं आगे। हिजबुल्ला पर इसराइल का एक बड़ा हमला और इसराइल ने 10 मिनट में 3 हवाई हमले किए। 2 दिन में 26 लोगों की मौत हो गई। खबरों के मुताबिक इसराइल की हिजबुल्ला पर बमबारी जारी है। दरअसल कल इसराइल ने दक्षिण लेबनान में एक के बाद एक 3 बड़े हमले किए। लेबनान में हिजबुल्ला के लगातार 2 दिन से हो रहे हमलों में 26 लोगों की मौत हुई और 144 लोग घायल हुए हैं, जिनमें दावा यह किया जा रहा है कि मारे गए लोगों में कई हिजबुल्ला के कमांडर हैं। इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान के लोगों को 22 गांवों को खाली करने का आदेश जारी किया है और यहां 10 मिनट में 3 हवाई हमलों से 26 लोगों की जान चली गई। आपको बता दें कि हिजबुल्ला के कई कमांडर्स की इस हमले में मौत होने की बात कही जा रही है। आप देख सकते हैं घनी बस्तियों के बीच से उठता धुआं इस बात की तस्दीक कर रहा है। दूसरी तरफ हिजबुल्ला ने इसराइल पर फिर से रॉकेट से हमला किया। लेबनान की तरफ से हिजबुल्ला ने इसराइल में करीब 320 रॉकेट से हवाई अटैक किया। हिजबुल्ला ने यहूदियों के त्योहार योम किपुर के दौरान इसराइल पर तकरीबन 320 रॉकेट्स दागे और ज्यादातर हमलों को इसराइल ने नाकाम कर दिया। योम किपुर यहूदियों के सबसे बड़े त्योहारों में से एक है जो 11 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक मनाया गया। चलिए बढ़ते हैं आगे, रुक करेंगे कुछ अन्य खबरों का। सारंगढ़ बेलाईगढ़ में नवरात्रि में अश्लीलता पर उसे जाने का मामला सामने आया।